जम्मू कश्मीर की बात करें तो हुनर की कोई कमी नहीं। आज बात करेंगे जम्मू से 163 किलोमीटर दूर डोडा डिस्ट्रिक्ट की, जो जम्मू डिवीज़न के मशरकी हिस्से का एक ज़िला है। यहाँ यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली 20 साल की नीट एस्पिरेंट मिस बुशरा, जो कैलीग्राफी और पेंटिंग को अपनी हॉबी बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। हाँ, मेन चीज़ डोडा की, यहाँ सारे कलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ना कलर्स और कैनवास बोर्ड्स वगैरह, वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं। एक्रेलिक कलर्स वगैरह वो अवेलेबल नहीं होते, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारे जम्मू से लाने पड़ते हैं हमें। बुशरा ने बिना ट्रेनिंग के 4 साल पहले अपनी कज़न से इंस्पायर होकर पेंटिंग और कैलीग्राफी की शुरुआत की। मेरी वैसे ये हॉबी है, प्रोफेशन नहीं है। मैंने ये 11th क्लास से शुरू किया, देन मैं फ़िलहाल नीट के लिए पढ़ रही हूँ। मैंने 9th-10th में मैंने मतलब पेंटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह में गई थी मैं, वहाँ फर्स्ट प्राइज़ मुझे 3 बार मिला है, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिल गया। मैं चाहती हूँ नेचर के बारे में थोड़ा सा, नेचर सीनरी कैनवास पे साइड बाय साइड, ये तो मैंने इंशाल्लाह हमेशा साथ रखना है। उसके बाद मैं हमेशा मतलब हमारी जो करंट सिचुएशन होती है उसको देख के अब ज़्यादातर पेंटिंग बना रही हूँ। जैसे फ़लस्तीन को लेके मैंने मस्जिद, उनका वो बनाया है, उसकी पेंटिंग बनाई है मैंने, क्योंकि वहाँ का देख के इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो मुझे उसी चीज़ को देख के मैंने वो बना लिया। वो आजकल ओलंपिक से काफ़ी चल रहा है, मतलब वो उनका सीज़न, तो मैं दिए जो होते हैं ना वो पॉट्स छोटे, तो मैंने उन पर मैंने ट्राई किया कि उन पर वो रिंग्स बनाऊँ उस चीज़ के। अभी वो इनकम्प्लीट है, बट इंशाल्लाह मैं जल्दी कंप्लीट करूँगी। अभी पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ मैं, बट फिलहाल मैंने बंद कर दिया पोर्ट्रेट्स बनाना, और कैलीग्राफी में करती हूँ। उसके ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं मुझे, इंस्टा पे अपना पोस्ट किया पहला वो पोर्ट्रेट, देन उसके बाद फिर मुझे बहुत काफ़ी DMs आने लगे इंस्टाग्राम ने, खासकर बहुत ज़्यादा हेल्प की। स्कूलिंग मेरी शाइन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से ही हुई है, 12th तक, नर्सरी टू 12th यहीं मैंने पढ़ा है। ऐसे मैं 2 दिन में एक पोर्ट्रेट, कैलीग्राफी 1 दिन में बना लेती हूँ मैं। पेरेंट्स का बात काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। हाँ, एक चीज़ है मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है हर हिसाब से। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ कम हो इंसान में। मैं जब अपनी खुशी के लिए मैं बना रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, तो पहले मैंने कज़िन का बना लिया, तो उसके बाद फिर मैं बनाने लगी, मुझे ऑर्डर्स आने लगे, तो मुझे खुशी होने लगी, मैं बनाने लगी। बट आदू ने कहा कि नहीं, गुना है, ये नहीं बनाना। बट फिर मैंने बाद में छोड़ दिया पोर्ट्रेट्स बनाना। बट मैंने काफ़ी मतलब 20-something पोर्ट्रेट्स मैंने बनाए होंगे, वो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने कैलीग्राफी शुरू की, बट मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आगे और शुरू करूँगी पोर्ट्रेट बनाना। मतलब आधे बच्चों ने मुझे बताया कि हमें आपसे सीखना है, तो मैं खुशी खुशी सिखाना चाहूँगी उनको। जी, मैंने सोचा है कि एग्जीबिशन में अगर ऐसा कभी हुआ, मुझे मौका मिला, तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। जो हमारी हॉबी होती है वो मतलब उसमें बहुत दिल करता है करने का, और कभी ये चीज़ छोड़ना नहीं। मैं चाहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और NGO समाज में छुपे हुनर को सामने लाने की भरपूर कोशिश करें, ताकि आत्मनिर्भर जैसे स्कीम का कुछ हद तक पालन हो सके। डोडा से कश्मीर अनहर्ड के लिए मैं राबिया शफीक।